देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। देश भर सहित काशीपुर में बैंक ब्रांच और एटीएम में चल रही कैश की किल्लतों के चलते आज काशीपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और दर्जनों व्यापारियों ने नगर के एसबीआई मुख्य ब्रांच प्रबंधक नीरज गोड़ का घेराव किया। इस दौरान व्यापार मंडल पदाधिकारियों का कहना था कि जब व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बैंक एटीएम से कैश नहीं मिलेगा तो व्यापार कैसे चलेगा। वहीं शादी का सीजन होने के बावजूद लोगों के सामने भारी कैश की किल्लत बनी हुई है। मंडल के प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास शहर के बहुत सारे लोग आए कि हमारे यहाँ शादियाँ हैं और हम बैंकों में जा रहे हैं तो वहाँ हमें भी तरीके से पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो उसी विषय पर मैनेजर साहब से बात करने के लिए आ रहे थे कि एटीएम्स भी खाली हैं और इसके अलावा शादियों में लोगों को पैसे चाहिए तो वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैनेजर साहब ने भी माना है कि हाँ भाई पैसे की कुछ क्राइसिस है, आरबीआई को हम ये संदेश भेजते हैं कि हाँ भाई पैसे की व्यवस्था को सुचारू करें, और उन्होंने हमारी बात को जो है आरबीआई तक पहुँचाने का विश्वास दिलाया है, शायद एक दो दिन में या तीन दिन में ये व्यवस्था पूरी हो जाए। मैं आए थे रिगार्डिंग मालूम करने की भी कैश की क्या व्यवस्था है, क्या दिक्कतें बैंक को आ रही हैं कैश के बारे में। तो हमने ये कहा है कि हमारे पास जो कैश है, जो अवेलेबल कैश है, जो हमारे पास है, उसी के हिसाब से हम दे पा रहे हैं। बड़े नोटों की किल्लत है थोड़ी, जिनकी आवक कम है, बैंक के अंदर डिपॉजिट कम हो रहा है ना, उसी हिसाब से हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जो मांग रहे हैं लोग उनको पूरा दें। हमारे पास जो अवेलेबल कैश है उनको प्रोवाइड करा जा रहा है हमारे यहाँ से। ठीक है कि जो बड़ा नोट मांग रहे हैं उन्हें बड़ा नहीं मिल पा रहा, पर कैश तो हम उनको दे रहे हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।